धार जिले के खलघाट में थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर दो सांपों को पकड़ा, जिसमें एक 4 फीट लंबा कोबरा सांप है तो दूसरा रसेल वाइपर सांप, जिन्हें अब सुरक्षित जंगलों में छोड़ा जाएगा। गुरुवार रात्रि को थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा रेस्क्यू कर दो सांप पकड़े गए, जिसमें से पहला सांप पंचायत के पीछे से कोबरा प्रजाति का पकड़ा, जिसकी लंबाई करीब 4 फीट थी। वहीं दूसरा रसेल वाइपर सांप राहुल डोंगले के ट्रांसपोर्ट के पास से पकड़ा, जिसकी लंबाई 3 फीट थी। संस्था के अभिषेक शर्मा ने बताया कि इन सांपों को रेस्क्यू कर एक जगह इकट्ठा कर फिर इन्हें जामघाट के जंगल में छोड़ा जाता है। वहीं अभी तक संस्था के सदस्यों ने करीब 12,000 से भी अधिक सांपों को पकड़ा है, जिसमें से 40 से अधिक सदस्य इस संस्था में जुड़े हैं। संस्था के सदस्यों द्वारा बताया गया कि रसेल वाइपर सांप, जिसे लोग अक्सर अजगर समझने की गलती करते हैं, वो भारत का दूसरा सबसे जहरीला सांप होता है। सबसे पहला सांप जो हमने रेस्क्यू किया वो कोबरा स्नेक था, जिसकी लंबाई 4.5 फीट थी और वो हमने गांव से किया था पंचायत के पीछे से। फिर जो दूसरा सांप हमने रेस्क्यू किया उसका नाम रसल स्वाइपर है, जो कि हमने डोंगले जी के यहाँ से किया था उसी समय रात्रि में। वो उसकी लंबाई जो है 3 फीट थी। इन्हें कहाँ छोड़ा जाएगा? इन्हें सुरक्षित जंगल में जामघाट में छोड़ा जाएगा। हमारी पूरी संस्था है थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी, वो यही काम करती है, निशुल्क सांपों को हम रेस्क्यू करके और जंगल में सुरक्षित छोड़ देते हैं। आज तक आपने कितने सांप पकड़ लिए? अभी तक हमने टोटल 12,000 से अधिक सांप पकड़ लिए हैं, जिसमें हमारे टोटल 40 टीम मेंबर्स हैं और वो यही सब सेवाएँ देने का काम कर रहे हैं। जैसे कुछ सांपों को कुछ लग जाता है तो आप उनका ट्रीटमेंट वगैरह करके जब छोड़ा जाता है क्या? हाँ, अगर आप सांपों को लग जाती है तो पहले हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कुछ दिनों कि वो ठीक हो रहा है या नहीं, उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाता है। इसे रिलीज नहीं किया जाता। आप जैसे पकड़ते हैं तो उसको कोई चार्ज लगता है क्या? हम इसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं लेते, ये हम हमारी सेवाएँ दे रहे हैं।